हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अमानी क्रिएटिव। और देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से ले आई हूँ एक सुंदर सा डोरमैट। और आप देख सकते हैं, ये डोरमैट बनाया है मैंने वेस्ट पॉलीथिन का। वेस्ट पॉलीथिन तो हर घर में पाई जाती है और हमें फेंकनी ही पड़ती है डस्टबिन में, जब उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो देखिए, मैंने अपनी वेस्ट पॉलीथिन से ही कितना सुंदर डोरमैट क्रिएट किया है। और इसका डिज़ाइन देखेंगे आप तो यहाँ से भी सेम आया है और यहाँ से भी सेम आया है। और इस डोरमैट को आप कितना भी बड़ा साइज़ दे सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मल साइज़ में बनाया है और डबल शेड में यूज़ किया है, बॉर्डर भी आया है इसमें। तो आप देख सकते हैं, इस डोरमैट को बनाने में जो वेस्ट पॉलिथीन यूज़ करी गई है उससे ही मैंने इसके पहले भी वीडियो डाली है डोरमैट्स की, और आपने उसे इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप आप इसे भी अपना बहुत प्यार देंगे। तो चलिए, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन डोरमैट को बनाने के लिए इस तरह की पॉलीथिन्स ले लेते हैं। ये दूध की बाल्टी में लगकर आती है, ये वही पॉलीथिन है, आप देख सकते हैं। ये एक साइड से जुड़ी है और एक साइड से खुली हुई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, ये टू फोल्ड और ये फोर फोल्ड। अब फोर फोल्ड होने के बाद ये जो इसका बंद वाला हिस्सा है, मैं इसको कैंची से यहाँ पर कट कर देती हूँ। ये कट हो चुका है। अब कट होने के बाद इसका हम बीच में से हाफ कर देते हैं। तो ये देखिए, इसके टू पीस हो चुके हैं। अब ये दो पीस होने के बाद ये इस तरीके से खुल जाएगी, और सेम ये इस तरीके से खुल गई। तो हमारी पूरी पॉलीथिन के इस तरीके से दो पीस हो गए। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी एक डोरी, लंबी डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देखिए इस तरीके से इस डोरी के ऊपर मैंने ये रखा, और फिर यहाँ से इसको पकड़ के इस तरीके से खींच दूँगी। तो देख सकते हैं आप, ये नॉट बन चुकी है आराम से, और हमारी जो डोरी इतनी थी वो इतनी लंबी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं इस डोरी को थोड़ी और लंबी शेप दे दूँगी। अगर आप इस तरह की पॉलीथिन, अगर जैसे आप पे ना मिल पाए तो आप इस तरह की पॉलीथिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, आपको सिर्फ इस तरीके से इसको टू फोल्ड करना है, फिर फोर फोल्ड। और फोर फोल्ड करने के बाद जो पॉलीथिन की एक्स्ट्रा जगह है उसको काट कर हटा देते हैं, और ये जो बंद हिस्सा है इसे भी कट कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद ये जो पूरी पॉलीथिन है इसके हम बीच में से टू पीस कर देते हैं। अभी देखा आपने, टू पीस हो गए हैं। अब टू पीस होने के बाद ये मैंने इस तरीके से खोल ली, और खोलने के बाद मैं इसके ऊपर, इस पॉलीथिन के ऊपर इसको इस तरीके से रखूंगी, और नीचे से हाथ देकर इसको इस तरीके से खींच देती हूँ। देखा आपने, डॉट बन चुकी है। इस तरीके से अपनी डोरी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी ना करें, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 2 मीटर की बना लें, मतलब 4-5 टुकड़े इस तरीके के जोड़ लें। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं पहले इस तरीके की पॉलीथिन का यूज़ करती हूँ, तो मैं इसकी डोरी तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से, मुझ पर जितनी भी ये पॉलीथिन्स हैं सबको एक के ऊपर इस तरीके से एक करके रख लेती हूँ। इस तरीके से देखिए, मैंने सारी पॉलीथिन्स ये इस तरीके से रख ली। अब ये वाला बंद हिस्सा आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ एक साथ ही। इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और डोरी भी जल्दी उनके रेडी हो जाएगी। तो हम एक एक पॉलीथिन ना काट कर इस तरीके से इकट्ठी पॉलीथिन भी एक साथ काट सकते हैं। आप देख सकते हैं आप, कितने सारे पीसेस एक साथ हो चुके हैं। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, हमारी पूरी डोरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इस तरीके से दो फिंगर्स पर एक राउंड लेते हैं,
और राउंड लेने के बाद इसको नीचे से इस तरीके से निकाल कर एक नॉट लगा लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से हमारी एक नॉट लग चुकी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हम यहीं से इस तरीके से डोरी को ऊपर निकालते हुए, ये देखिए इतना बन गया। अब सेम हम इस तरीके से इसमें फंदे बनाते जाएंगे, ये देखिए। अब हमें जितना भी लंबा डोरमेट बनाना है हम उतने फंदे इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक डोरी तैयार होती जाएगी। फंदों को ज़्यादा ना बड़ा लें ना ज़्यादा छोटा लें। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी एक गुच्छी तैयार होती जा रही है, चोटी का डिज़ाइन बनता जाएगा इसमें इस तरीके से। इस तरीके से निकाल के इस वाली उंगली से इसको ऊपर की तरफ ढकेल दें तो ये इजीली ऊपर आ जाता है फंदा, ये इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप कितना इजीली ये डोरी बनती जा रही है। ये देखिए चोटी का डिज़ाइन बनता जा रहा है हमारा। अब हमें जितनी भी डोरमेट की इसमें चौड़ाई चाहिए हम उतनी चौड़ाई बना लेते हैं इसकी पहले। तो देखिए मैंने इतनी लंबी डोरी ये तैयार कर ली है। मुझे अपनी डोरमेट की चौड़ाई इतनी ही रखनी है, आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और बड़ी भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जो मैंने फंदे बनाए हैं इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जितनी आपको लंबाई, जैसे आप जितना भी लंबा बनाना चाहते हैं, जब आपको लगे कि ये इतना लंबा हो चुका है वहीं पर इस फंदे में से इस डोरी को इस तरीके से निकाल कर एंड कर दें, ठीक है। अब ये एंड करने के बाद हम इसमें और डोरी को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से डोरी के एंड को निकाल देते हैं इसमें से। ये हमारी डोरी जुड़ गई। अब इस डोरी का जो लास्ट है उस लास्ट पर हम इस सेफ्टी पिन को यहाँ लगा लेते हैं। और अब लगाने के बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, इसको हम इसको इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एक फंदा छोड़कर एक फंदे में से दो फंदे लेंगे। तो हमने ये फंदा छोड़ दिया है, अब इस वाले फंदे में से हम यहाँ पर से इस तरीके से इस पिन को डालकर एक फंदा निकालते हैं। और आप चाहें तो इसको पैर से भी दबा सकते हैं आप इस तरीके से, मैंने पैर से दबाया है ये। इससे आपकी ये डोरी स्ट्रेट रहेगी और आपको ये डोरमेट बनाने में थोड़ा इजी फील होगा। तो अब मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक फंदा निकाल लिया है, अब मैं इसी फंदे में से एक और फंदा निकालती हूँ। तो देखिए मैंने एक फंदे में से दो फंदे निकाल दिए हैं, अब ये एक फंदे को छोड़ देंगे। अब मैं इसमें से फिर से एक फंदे में से दो फंदे निकालती हूँ। ज़्यादा ढीला ना छोड़ें फंदों को और ज़्यादा टाइट भी ना रखें। आप ज़्यादा ढीला रखेंगे तो इनमें थोड़ा खुला खुलापन सा आएगा मैट में, और ज़्यादा टाइट रखेंगे तो फिर आपको ये इस तरीके से डोरमेट को बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये देखिए मैंने एक फंदा छोड़ दिया, एक फंदा बुन दिया। अब मैं फिर एक फंदा छोड़ती हूँ और एक फंदा बुनती हूँ। और इसी तरीके से हम इस पूरी डोरी को बुन लेते हैं। तो देखिए हमारी ये पूरी लाइन हो चुकी है। अब मैं इसके बाद इसको इस तरीके से पलट लेती हूँ, और पलटने के बाद अगर आपकी डोरी ख़त्म हो गई है तो आप इस डोरी को दोबारा जॉइंट कर लें इसमें। और ये जो इस तरीके से हमारी ये बुनाई आई है इसमें सेम हम वही करेंगे, पहला फंदा छोड़ देंगे और दूसरे फंदे में से यहाँ पर हम एक फंदे में से दो फंदे लेंगे।
जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बुना हुआ फंदा है हमारा, इसमें से दो फंदे आ रहे हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं, और ये खाली फंदा है इसमें से हम दो फंदे लेते हैं। देखिए इस तरीके से, हमने एक फंदे में से दो फंदे ले लिए। अब ये जो हमारा बुना हुआ फंदा है इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम एक फंदे में से इस तरीके से दो फंदे ले लेते हैं। इस तरीके से हम एक एक फंदा खाली छोड़ते जाएंगे और एक एक फंदे में से दो फंदे लेते हुए पूरी लाइन को कवर करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें चार लाइन कर ली हैं। सेम वही प्रोसेस रहा है इसमें कि हमने एक फंदे में से दो फंदे लिए हैं और एक फंदे को खाली छोड़ दिया है। अब ये जैसे मैंने इसमें चार लाइन करी हैं, इस तरीके से मैं इसको कितनी भी बड़ी शेप दे सकती हूँ, तो मैं इसको इसी तरीके से बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और इसको और बड़ी शेप देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इतना मैट बुन लिया है, और इतना मैट बुनने के बाद यहाँ से और यहाँ से सेम डिज़ाइन आया है, आप देख सकते हैं। और वही प्रोसेस रखा है हमने कि एक फंदा हमने खाली छोड़ा है और एक फंदे में से दो फंदे लिए गए हैं, वही प्रोसेस हमने बनाते हुए इसमें इसको इतना बुन लिया है। अब ये टोटल वाइट बना है। अब मैं सोचती हूँ इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आना चाहिए, तो अब मैं इसके आगे जो इसको यूज़ करूँगी इसमें पॉलीथिन्स, अब मैं मल्टी शेड में यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह की अलग अलग कलर्स की पॉलीथिन्स ले ली हैं, और अब हम इनका सेम वही इसमें प्रोसेस रखेंगे। पहले इसकी दो दो इस तरीके से बीच में कट लगा कर हम डोरी बनाते हैं, तैयार करते हैं, और फिर जो प्रोसेस से हमने इतना बुना है अपना मैट को, उतना ही उसी तरीके से और भी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन पॉलीथिन्स को कट कर देती हूँ। सबसे पहले एक्स्ट्रा वाला निकाल दिया है हमने पीस, और फिर यहाँ से बंद वाली पॉलीथिन को भी हटा दिया, और ये बीच में से मैंने इसके कर लिए हैं दो पीस। ये देख सकते हैं आप, मेरी एक पॉलीथिन में से दो पीस हो गए हैं, और ये भी। अब सेम हम दूसरी कलर की पॉलीथिन के साथ करते हैं। इस तरीके से ये मैंने जो ली इनको फोल्ड किया, पीस अलग करे इस तरीके से, और ये बीच में से अलग कर देते हैं। आप चाहें तो सारी पॉलीथिन को एक साथ रखिए और एक साथ कट करके ये इस तरीके से डोरी बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इजी रहता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी दो शेड में पॉलीथिन रेडी हो गई है। अब एक शेड की हम ये पॉलीथिन लेंगे, एक शेड की ये लेंगे, एक शेड किसी और कलर का ले लेते हैं, और इस तरीके से मैं एक लंबी डोरी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इतना मैट बन चुका है। अब हम अपने इसमें जो हमने मल्टी शेड की ये डोरी तैयार करी है, इसे अब यहाँ पर पिन निकालकर इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। इस डोरी के छोर को इसमें से होकर निकाल देंगे इस तरीके से, और ये हमारी डोरी इसमें अटैच्ड हो गई। अब बस वही इसके लास्ट में पिन लगाते हैं, और पिन लगाने के बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने इतना बुना है वह उसी तरीके से हम आगे का भी इसमें प्रोसेस रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दो फंदे बने हुए हैं उन्हें छोड़ते हैं, जो ये हमें खाली फंदा दिख रहा है इस फंदे से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको डालते हैं, यहाँ एक फंदा छोड़ देते हैं ये खाली हल्का सा, और फिर यहीं से हम डालते हैं दूसरा फंदा।
एक फंदा छोड़ दिया, दूसरे फंदे से फिर इसमें स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए इस तरीके से हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के रेडी हो जाता है। और फिर देखिए ये जो पॉलीथिन्स हैं ये तो हर घर में आती ही हैं और वेस्ट पड़ी रहती हैं बिल्कुल। और आप कुछ भी सामान लेके आइए मार्केट से, ये पॉलीथिन्स तो आनी है। और मुझ पे तो ज़्यादातर वेस्ट दूध में जो दूध की बाल्टी में लगकर ऊपर आती है पॉलीथिन, वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, बिल्कुल वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो मैंने तो उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। बाकी इसमें थोड़ा सा मल्टी शेड देने के लिए मैं इसमें इस तरीके की कलरफुल पॉलीथिन्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा डोरमेट इस तरह की मल्टी कलर्स की पॉलीथिन से भी बना सकते हो, बहुत सुंदर बनता है वो भी। अब मैं इसमें इस तरीके का शेड दूंगी। शेड देने के बाद इतना ही जो मैंने मैट इतना बुना है इसको उतना ही डबल ऊपर बुनेंगे। फिर उसके बाद हम इसका चारों ओर बॉर्डर बनाएंगे। बहुत सुंदर डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और इतना ईजी डोरमेट है ये कि कोई भी घर में बना सकता है। और अगर वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छा बन जाता है, यूज़फुल बन जाता है, तो उससे अच्छी बात और क्या होती है। तो देखिए हमने एक फंदा छोड़ दिया, दूसरे फंदे में से वही अपने दो फंदे लेंगे। देख सकते हैं आप इतना बुन चुका है। डिज़ाइन देख लीजिए दोनों तरफ सेम आ रहा है बिल्कुल। और जब इसका हम बॉर्डर भी साथ में लगा लेंगे तो बहुत ही सुंदर डोरमेट बन के रेडी होगा। तो मैं इस पूरी लाइनिंग को पूरा करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इतना मैंने इसमें मल्टी शेड की पॉलीथिन्स यूज़ करके इसको इतना और इसको बुन लिया है। अब हम इसके बाद इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए जितना हमने यहाँ पर इतना वाइट कलर की पॉलीथिन से बुना है उतना ही हम इसके ऊपर बुनेंगे, जिससे ये हमारा जो डिज़ाइन मल्टी शेड का है वो बीच सेंटर में आ जाएगा। और ये वाला डिज़ाइन ऊपर आने के बाद एकदम डिज़ाइन अच्छा सा बन जाएगा हमारा डोरमेट का। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा पलट लेती हूँ और अपनी वही जो हमने ये पॉलीथिन यूज़ करी थी उसकी ही डोरी हम इसमें सेट करके पूरी इस तरीके से इसमें हम पिन लगा लेते हैं अपनी। और फिर वही करना है हमको, एक फंदे में से दो फंदे लेने हैं और एक फंदे को खाली छोड़ना है। इस तरीके से मैं पूरी इसको इतना ही जितना मैंने नीचे बुना है सेम उतना ही ऊपर बुन लेते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो इंची टेप की सहायता ले सकते हैं ताकि ये एकदम इक्वल बने, या फिर आप किसी भी चीज़ के एक अंदाजे से या इन लाइनिंग को काउंट करके आप उतनी ही लाइन ऊपर की साइड इसमें बना लीजिए और ये पूरा बन जाएगा। तो चलिए फिर इतना मैं बुनती हूँ इसके बाद और फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट बंदा यहाँ पर बुन लिया है, अब इसी में से हम एक और बार बुनेंगे। देखिए इतना बुन गया, अभी एक छोड़ देते हैं और एक और फिर बुनते हैं इसमें से। आप चाहें तो इसे मैट को पैर से दबा सकते हैं इधर से और उसके बाद इसको ज़मीन पर रखकर पूरा बुनेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। इस तरीके से पैर रख लीजिए साइड में और इसको दबा लीजिए अपने हाथों की सहायता से और फिर इसको बुनते जाइए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर का एरिया भी पूरा बुन लिया है इसका। अभी हमारा जो मल्टी शेड है वो सेंटर में आ गया है। अब हमारा इतना डोरमैट रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज आया है। और डिज़ाइन भी आप देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने इस तरीके से ग्रीन कलर की पॉलीथिन की इस तरीके की डोरी बना ली है।
और आप चाहें तो किसी भी कलर का इसमें बॉर्डर का शेड दे सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर का दिया है, आप किसी भी कलर का दे सकते हैं। तो अब इसके लिए इस डोरमैट को मैं इस तरीके से रख लेती हूँ, और रखने के बाद ये पिन हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारी डोरी बची है थोड़ी सी, इसमें इस ग्रीन वाली पॉलिथीन को सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी सेट हो गई, अब लास्ट में लगाते हैं इसमें पिन। अब पिन लगाने के बाद ये जो हमारा एरिया आ रहा है यहाँ पर इस लाइन का, हमें क्या करना है, अब तक हमने जो बुनाई करी थी उसमें एक फंदे में से दो फंदे लिए थे और एक फंदे को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया था। अब हम जो बुनाई करेंगे ये इस तरीके से देख सकते हैं आप, हर एक फंदे में से एक फंदा लेते हुए हम पूरी इसको बुनाई कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि ये हमारा कॉर्नर बनेगा। अब हमने इसमें से ले लिया है, अब इस बीच वाले फंदे में से भी एक फंदा लेते हैं। देखिए हमारा एक फंदे में से बुन चुका है और दूसरे फंदे में से भी हमने बुन दिया है। अब हम इसमें से बुनते हैं। बीच में से लेते हैं, तो जो हमारा ब्लैंक फंदा है उसमें से भी बुनना है और जो दो फंदे हमने एक साथ लिए हैं उसमें से भी बुनना है। इस तरीके से हम पूरी एक लाइन बुनेंगे ताकि इसका पूरा बॉर्डर सेट हो सके ढंग से। और अब ये बीच में से ले लेते हैं इसके। अब ये ब्लैंक वाला फंदा, देख रहे हैं आप एक लाइन आती जा रही है हमारी ग्रीन कलर की। इस तरीके से हम इसका चारों तरफ बॉर्डर बनाते हैं। अब हमें हर फंदे में से एक फंदा लेते हुए इसकी पूरी लाइन को एक शेड देना है ताकि एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। ये डोरमैट बनाना बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। और वेस्ट पॉलिथीन से बनाया है तो आप जानते हैं वेस्ट पॉलिथीन तो हर किसी के घर में पाई जाती हैं और बेकार फेंकी जाती हैं, तो क्यों ना आप उसका इस तरीके से रीयूज करें और ये डोरमेट बनाएं। देख रहे हैं आप ये लाइन आ गई है, चलिए तो मैं इस पूरी लाइन को पूरा करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लाइन पूरी हो चुकी है और हमारा एक साइड का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमारी ये डोरी भी खत्म हो गई है, तो इसमें डोरी ज्वाइंट कर लेते हैं दूसरी। इस तरीके से चार पांच पॉलिथीन्स की डोरी आप जो इसमें ज्वाइंट कर करके इतनी लंबी लंबी डोरियां बना लीजिए ताकि आप बार बार यूज कर सकें। और बॉर्डर बनाने के लिए हमें ज़्यादा पॉलिथीन्स नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ चार लाइन बनानी है इसमें। ये इतना बन चुका है, अब हम इसको घुमा लेते हैं इस तरीके से। और घुमाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने लास्ट किया है। अब जो हमारा ये वाला फंदा आ रहा है ये, इसमें हम एक और बार इसमें डिप करते हैं और इसको राउंड करने के लिए इसमें इस तरीके से करते हैं। तो देखिए हमने एक साइड से कर लिया है ये। इसमें ये करने के बाद यहाँ से हमने ये देख सकते हैं आप, दो फंदे थे, दो फंदे के बीच में हमने एक फंदा ले लिया। अब ये ब्लैंक वाला फंदा आ गया हमारा, एक बार इसमें से करते हैं।
देखिए ये हमारा लास्ट आ चुका है यहाँ पर, और इसको हम इस तरीके से टर्न कर लेते हैं। और टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा वाइट फंदा आया था, तो हम इसमें एक फंदा और ले लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये भी ग्रीन हो जाए। तो देखिए ग्रीन हो चुका है ये। अब हम इस वाले फंदे को पीछे से इसमें से इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं, बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए कितना सुंदर डोरमैट बन के रेडी हुआ है। यहाँ से आप देखिए पूरी बॉर्डर की लाइनिंग आ गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम डिज़ाइन आया है और यहाँ भी सेम डिज़ाइन आया है। दोनों साइड से इस डोरमैट को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इतना बनने के बाद ये जो हमारा लास्ट में ये डोरी बची है, हम इसको यहाँ से कट करके इस तरीके से यहाँ पे सुई धागे से टक कर लेंगे, और इसको हम डोरमैट को एंड करेंगे। आप अगर इसमें डबल बॉर्डर लगाना चाहें तो यहीं से दूसरे कलर की शेड को इसमें यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे कलर की शेड का इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर इसी बॉर्डर को थोड़ा और चौड़ा करना चाहें तो इसकी एक लाइन इस तरीके से ही एक फंदे में से एक फंदा लेते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर डोरमैट बन के रेडी हुआ है, और ये वेस्ट पॉलीथीन से बना है तो काफ़ी यूजेबल भी है, और इस तरीके से इसको आप पूजा के आसन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, और काफ़ी सुंदर डोरमेट बन के रेडी हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये डोरमेट कैसा लगा। वेस्ट पॉलीथिन का प्लीज़ यूज़ करिए इस तरीके से, ताकि वेस्ट पॉलीथिन भी यूज़ में आ सकें और हमें फेंकने भी ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।